हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये है हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 11th मार्च 2017। आज के क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं आज के टॉपिक। सॉरी, आज हिंदू और पीआईबी में कहीं भी कुछ ज्यादा न्यूज नहीं थी, तो हमने कुछ स्टैटिक का पार्ट इंक्लूड कर लिया है, लेकिन वो भी करंट के रिलेवेंस के साथ ही है। तो देख लेते हैं टॉपिक। फर्स्ट इज जकार्ता कॉनकॉर्ड, नेक्स्ट इज सीएजी, थर्ड इज कल्चरल फेस्टिवल, नेक्स्ट इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, फिफ्थ इज सशस्त्र सीमा बल, सिक्स्थ इज एलिफेंट सेंसस, सेवेंथ इज अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नेक्स्ट इज एस सी ओ, नाइन्थ इज अजूर विंडो एंड लास्ट इज ग्रेट बैरियर रीफ। सो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज जकार्ता कॉनकॉर्ड इज कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन है ए आसियान, नेक्स्ट इज बी आर सी ई बी, सी इज ब्रिक्स एंड डी इज आई ओ आर ए। तो जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया में है और इस यहाँ पे अभी एक ग्रुप का समिट चल रहा है जिसका आंसर है डी आई ओ आर ए। तो ये न्यूज थी। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मेंबर कंट्रीज हैव प्रोड्यूस्ड जकार्ता अकॉर्ड, वही जकार्ता कॉनकॉर्ड, टू रीअफर्म देयर कमिटमेंट टू कंटिन्यू देयर इंक्रीज देयर कोऑपरेशन। तो ये किस बात में कोऑपरेशन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप है इनका कोऑपरेशन का, सिक्योरिटी में है, देन साइबर सिक्योरिटी में है, इकोनॉमी, ट्रेड, ये बहुत सारे इश्यूज में ये कोऑपरेशन करते हैं। तो ये आईओआरए जो है वो सबसे पहले 1995 में स्टार्ट किया गया, मतलब एक सेक्रेटरीट मीटिंग हुई थी और फॉर्मली इसको 1997 से स्टार्ट कर दिया गया था। तो 20 साल भी हो रहे हैं इसको, तो इस वजह से ये हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। हम देख लेते हैं और इस कुछ बाकी फैक्ट। आईओआरए मेंबर कंट्रीज आल्सो एग्रीड टू क्रिएट अ सिक्योर एंड पीसफुल इंडियन ओशियन इंक्लूडिंग ऑनरिंग अनक्लॉज 1982। ये अनक्लॉज जो है वो साउथ चाइना सी की वजह से भी न्यूज में था। ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी दैट हैज बीन द कॉन्स्टिट्यूशन टू रेगुलेट द सी। ओके, मतलब सी का कितना एरिया किस पर्टिकुलर देश के अंडर आता है, इस ये सब इसमें दिया गया है, मतलब डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट इज आईओआरए इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ कोस्टल स्टेट्स बॉर्डरिंग इंडियन ओशियन। तो लगभग कुछ 21 कंट्रीज है इसमें। ये कौन सी है इसके बारे में हमने पिछले एक बार वीडियो में कवर कर लिया था, आप चाहे तो उसे देख सकते हो। और मैं फिर भी बता देता हूँ, आईओआरए में लगभग अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी एरियाज को मिला के पाकिस्तान एंड एक्सेप्ट म्यांमार, इन दोनों देशों को छोड़ के बाकी 21 कंट्रीज है। और इसका जो सेक्रेटरीट है वो है मॉरिशियस में। ऑलराइट, देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू इज कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट सीएजी दैट इज कैग। द कैग हैज टू ऑडिट द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज इट चेक्स दैट वेदर द पब्लिक एक्सपेंडिचर आर इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट रूल्स एंड नेक्स्ट इज सी ए जी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो कौन सा करेक्ट है ये पूछा है। वन करेक्ट, टू करेक्ट, वन एंड टू करेक्ट एंड ऑल करेक्ट। जी, तो फर्स्ट बात सही है, दैट इज ये ऑडिट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सपेंडिचर्स, मतलब गवर्नमेंट जिस भी पर्टिकुलर चीज को फाइनेंस करती है, पीएसयू, स्टेट्स वगैरह, ऐसे किसी भी पार्ट को ये ऑडिट कर सकता है सी ए जी। तो ये बात सही है। नेक्स्ट जो है वो भी सही है कि गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से पब्लिक एक्सपेंडिचर हुआ है या नहीं ये चेक करता है। तो फर्स्ट टू स्टेटमेंट सही है, इस वजह से हमारा आंसर जो है वो है सी। सीएजी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर नहीं आता, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेपरेट बॉडी है जो आर्टिकल 148 टू 151 में दी गई है। सो हमारा आंसर हो जाता है सी, वन एंड टू करेक्ट। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल फेस्टिवल हेल्ड इन इजिप्ट टू शोकेस इंडिया। इजिप्ट में हेल्ड किया गया शोकेस इंडिया। ओके, तो ऑप्शंस है गंगा एंड नाइल, बी इज इंडिया बाय द नाइल, सी इज फ्रॉम इजिप्ट टू गंगा एंड लास्ट इज नाइल एंड इंडिया। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये इसको मैं एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ, लेकिन इसका आंसर जो है पहले वो है बी, इंडिया बाय द नाइल। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फिफ्थ एडिशन था इस पर्टिकुलर फेस्टिवल का, इंडिया बाय नाइल का, और इसमें शोकेस किया जाता है डाइवर्सिटी एंड पार्टनरशिप बिटवीन टू एंशियंट सिविलाइजेशन, इंडिया एंड इजिप्ट की जो एंशियंट सिविलाइजेशन है उसकी डाइवर्सिटी और पार्टनरशिप को ये शोकेस करता है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस बार पहली बार गीजा के जो पिरामिड है वहाँ पे हमारा तिरंगा लहराया जाने वाला है।
तो एक्चुअली ये प्राउड मोमेंट भी है हमारे लिए और साथ ही साथ हमारे लिए मतलब यूपीएससी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ ही 70 साल पूरे हो रहे हमारे दोनों देशों के रिलेशंस के लिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, मतलब इजिप्ट और इंडिया के रिलेशंस को 70 साल भी पूरे हो रहे। आप जानते होंगे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ तब भी इजिप्ट जो था वो हमारे साथ था, तो लगभग 70 साल उसको पूरे हो चुके हैं। सो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नाम पर ही। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड चूज द करेक्ट। तो फर्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन इंडोनेशिया इन 1961। नेक्स्ट इज लास्ट समिट वॉज हेल्ड इन सेप्टेम्बर 2016 इन वेनेजुएला। एंड थर्ड इज इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन बेलग्रेड सर्बिया। तो जो ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री एंड ओनली वन एंड थ्री, तो हमें फिर से चेक करना पड़ेगा क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। ऑलराइट, तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो पार्शियली करेक्ट है क्योंकि 1961 में स्टार्ट हुआ था लेकिन इंडोनेशिया में नहीं, तो बेलग्रेड में स्टार्ट हुआ था ये। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सितंबर 2016 का जो समिट समिट हुआ था वो वेनेजुएला में हुआ था और इसको हमारे उपराष्ट्रपति डॉक्टर हमीद अंसारी ने अटेंड किया था। उस वक्त ये न्यूज़ में था क्योंकि मतलब ऐसे न्यूज़ थी कि प्रधानमंत्री ने क्यों अटेंड नहीं किया, इस वजह से ये काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहा था। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है। मैं भी ये एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि नाम की अब क्या सिग्निफिकेंस रह गया है नए युग में, ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है मेंस पे, तो ये भी आप एक बार देख सकते हो। और जो थर्ड जो है वो भी इनकरेक्ट है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर जो है वो इंडोनेशिया में है। ओके, जकार्ता, आई थिंक जकार्ता इंडोनेशिया में है। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, तो सिर्फ आंसर जो है करेक्ट पूछा है तो बी, टू ओनली। ओके, हाँ, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। बेलग्रेड में 1961 में ये स्टार्ट किया गया था और लगभग मतलब 2012 में इसके कुछ 120 मेंबर्स है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे कोट कर सकते हो कि नाम अलाइनमेंट मूवमेंट अभी के इस दौर में इम्पोर्टेंट क्यों है। तो यूएन के बाद ये एक ऐसी ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप है जिसमें इतने ढेर सारे कंट्रीज जो है वो एक साथ है। ऑलराइट, तो और ये टर्म नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ये किसने सबसे पहले यूज की थी, तो वी के कृष्णन मेनन, कृष्णा मेनन, इन्होंने 1993 में अपने यूएन के डॉक्ट्रिन में ये इसको यूज किया था। और नाम कंट्रीज जो है, नाम जो ग्रुप है वो किन्होंने फॉर्म किया था, तो इसका आंसर है IIEYG, दैट इज इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, यूगोस्लोवाकिया एंड घाना। ऑलराइट, तो ये आप कैसे याद रखे ये, अब मतलब मैंने कुछ निमोनिक बनाया नहीं है, आप चाहे तो कुछ बना सकते हो, अगर आप बनाएंगे तो कमेंट में पोस्ट कर दीजिए, मैं तो इसके ऐसे ही याद रखता हूँ, IIEYG। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सशस्त्र सीमा बल कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। तो डिफेंस, होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड लास्ट इज नन ऑफ द अबाउ। तो ये न्यूज़ में था कल क्योंकि माई SSB ऐसे एक ऐप किरण रिजिजू सर ने लॉन्च किया है, इस वजह से ये न्यूज़ थी। तो इसका जो आंसर है वो है बी, दैट इज होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। यहाँ पे आप देख सकते हो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की अंडर आती है और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और 2001 से पहले इसको स्पेशल सर्विस ब्यूरो इस नाम से जाना जाता था। ये जो हमारा 1962 में इंडिया वॉर हुआ था इसके बाद 20 दिसंबर 1963 को फॉर्म की गई थी स्पेशल सर्विस ब्यूरो जो है। और इसका प्राइमरी काम क्या है, तो हमारी जो रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसको सपोर्ट करना, इंडियाज फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी विद। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है इसका टू इनकलकेट फीलिंग्स ऑफ नेशनल बिलोंगिंग इन बॉर्डर पॉपुलेशन, बॉर्डर पॉपुलेशन के जो लोग हैं उनके लिए एक नेशनलिज्म की फीलिंग इन लोगों में इनकलकेट करना। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट एलिफेंट सेंसस। ये आज ही का हिंदू का न्यूज था, आपने देखा होगा। तो एलिफेंट सेंसस के बारे में ये कैसे करते हैं ये क्वेश्चन पूछा है, ऐसा ही एक बार क्वेश्चन टाइगर सेंसस कैसे करते ये पूछा गया था, इस वजह से हमने ये क्वेश्चन फॉर्म किया है। तो देखते हैं, द डायरेक्ट काउंटिंग मेथड इज बेस्ड ऑन साइटिंग ऑफ एलिफेंट। ओके, डायरेक्ट काउंटिंग एंड साइटिंग। एंड नेक्स्ट इज द इनडायरेक्ट मेथड यूजेस डंग डीके फॉर्मूला इन विच द एनालिसिस ऑफ एलिफेंट डंग इज यूज टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन। तो ट्रू कौन सा है पूछा है, 1, 2, 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर तो मतलब हम ऐसे गेस भी कर सकते हैं कुछ देख के, तो आंसर है सी, दैट इज बोथ 1 and 2, यहाँ पे आप देख सकते हो। और रिसेंटली ये जो स्टेट है ओडिशा,
वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक से देखिए, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, इन्होंने डिसाइड किया है। ये एक सिंक्रनाइज्ड एलिफेंट कंसेंसस जो है वो 9 से 12 मई के बीच कर लेंगे। और क्यों करना है, तो ये पर्टिकुलर जो एरिया है ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, इसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमन और एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। रिसेंटली भी हमने एक न्यूज़ इस पर कवर की थी। नेक्स्ट क्या है, द सेंसस विल कंडक्ट सेंसस बेस्ड आइडेंटिकल सेट ऑफ रूल्स यूजिंग द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट काउंटिंग मेथड। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड जो है वो हमने क्वेश्चन में ही देख ली थी। और ये पर्टिकुलर मेथड सबसे पहले कर्नाटका और तमिलनाडु ने हमारे यहाँ पे यूज़ कर ली है। और एक अमाउंट दी गई है कि कितने एलिफेंट्स अभी हमारे देश में है, ये कुछ मतलब हमें इतना याद रखना तो ज़रूरी है नहीं, लेकिन आप चाहे तो एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ इज, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, ही हैज़ द राइट ऑफ ऑडियंस इन सुप्रीम कोर्ट ओनली। एंड नेक्स्ट इज, ही होल्ड हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। सो कौन सा करेक्ट है ये पूछा है, ए वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू एंड नन ऑफ द अबव। तो ये बात आप जानते होगी कि अटर्नी जनरल जो है वो प्रेसिडेंट की प्लेजर पे, मतलब प्रेसिडेंट की मर्जी से रहते हैं। लेकिन ये जो सेकेंड है वो इनकरेक्ट है, सिर्फ सुप्रीम, हाँ। सो इसका आंसर जो है वो है बी ओनली, क्योंकि सिर्फ पूरी जो टेरिटरी है इंडिया की टेरिटरी, वहाँ पे किसी भी कोर्ट में अटर्नी जनरल जो है वो जाके बोल सकते हैं। और अटर्नी जनरल जो है वो आर्टिकल नंबर 76 के अंडर, कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 76 में बताया गया है अटर्नी जनरल के बारे में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट एस सी ओ। एस सी ओ इज शांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑल राइट। सो ये भी हो सकता है न्यूज में है क्वेश्चन आ जाए इस बार। देखते हैं स्टेटमेंट्स, द शांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज यूरेशियन, ऑल राइट, यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज फाउंडेड इन 2001 इन शांघाई। नेक्स्ट इज, इंडिया एंड पाकिस्तान रिसेंटली साइन द मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन टू स्टार्ट द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग द एस सी ओ एज फुल मेंबर्स। मतलब रिसेंटली एस सी ओ ने इंडिया और पाकिस्तान को न्योता दिया है इसके पार्टिसिपेट होने के लिए। सो कौन सा करेक्ट है ये पूछा है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू एंड नन ऑफ द अबव। तो ये बात सही है कि 2001 में इसको शांघाई में स्टार्ट किया गया था, और इसके साथ ये यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया का मिलके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। और रिसेंटली मतलब 2015 से ये प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है हमें इंडिया और पाकिस्तान को इसका परमानेंट मेंबर बनाने की। और लगभग 2017 का जो नेक्स्ट अस्ताना का जो समिट होगा वहाँ पे ये हमें फुल मेंबरशिप अलॉट की जाएगी। सो इसके दोनों स्टेटमेंट जो है वो मतलब सी आंसर जो है वो करेक्ट है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 2001 में किन्होंने स्टार्ट किया था, चाइना, यहाँ पे चाइना, नेक्स्ट कजाकिस्तान, मतलब ये सभी मिडल एशिया की कंट्री है, कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ओके, और रशिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो मंगोलिया छोड़ के जो हमारे बॉर्डरिंग बहुत से जो नेशंस है, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, इन्होंने मिलके ये स्टार्ट किया था। सबसे उज्बेकिस्तान जो है वो उसमें बाद में ऐड किया गया था, उससे पहले इसको सिर्फ शांघाई फाइव इस नाम से जानते थे, दैट इज इन 1996। और जब उज्बेकिस्तान ने इसको इसमें ऐड कर लिया गया, तब से इसको एस सी ओ, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो लगभग जो बाकी बताया आपने कि अस्ताना में 2017 का जो मीटिंग होगा तब हमें फुल टाइम मेंबरशिप मिल दिया जाएगा, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अजूर विंडो वॉज रिसेंटली इन न्यूज, व्हाट इज इट। तो अजूर विंडो ये क्या है ये हमें बताना है, इज एन एंशियंट केव फाउंड इन वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट इज, इट इज अ मैसिव लाइमस्टोन आर्क। नेक्स्ट इज, इट इज अ स्पीसीज ऑफ फ्रॉग एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट। एंड नेक्स्ट इज, इट इज अ सीक्रेट डोर ऑफ फोर्ट यूज इन इमरजेंसी टाइम्स इन मीडियवल टाइम्स, ओके। सो हमारा जो आंसर है वो है बी, ये एक मैसिव लाइमस्टोन आर्क थी। ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली है ना ये आइलैंड ऑफ गोजो यहाँ पे है, और रिसेंटली ये गिर गई है। ये एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी लाइमस्टोन आर्क्स में से एक थी, और ये रिसेंटली गिर चुकी है, तो इस वजह से ये न्यूज में था। माल्टाज आइकोनिक अजूर विंडो क्रम्बल्स इन टू सी, ये न्यूज थी।
और आइलैंड गोजो है, बाकी क्या वन ऑफ द नेचुरल आइकॉन्स ऑफ द मेडिटेरियन डिसअपीयर्ड व्हेन माल्टास अजूर विंडो कोलैप्स इनटू सी। ऑलराइट, ये इसका कुछ नाम है। और बाकी ये भी कुछ फैक्ट्स है कि ये गेम ऑफ थ्रोन्स जो है ना उसमें भी ये दिखाई गई थी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में ये क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ एक्सपीरियंसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड सेकेंड स्ट्रेट ईयर ऑफ मास कोरल ब्लीचिंग। मास कोरल ब्लीचिंग मतलब पिछले दो सालों से यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग हो रही है। एंड नेक्स्ट इज ब्लीचिंग ऑक्यूर्स व्हेन एबनॉर्मल एनवायरमेंट कंडीशंस सच एज वार्मर सी टेम्परेचर्स कैजुअल कोरल्स टू एक्सपेल टाइनी फोटोसिंथेसिस अल्गी ड्यूरिंग ड्रेनिंग देम फ्रॉम कलर। मतलब ब्लीचिंग कैसे होता है इसके बारे में ये बताया गया है। तो कौन सा करेक्ट है ये पूछा है। वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू एंड नन ऑफ द अबव। तो ये भी आज ही की हिंदू की न्यूज थी जिसके आंसर है सी, देयर इज दोनों करेक्ट है इसमें जी। एक्चुअली हुआ क्या है कि ये एबनॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से, जैसे कि वार्म मतलब हीट वेव की वजह से पिछले दो सालों से यहाँ पे टेम्परेचर बहुत बढ़ चुका है और जो कोरल रीफ्स है उनका कलर जो है मतलब ब्लीचिंग हो रही है उनकी, दैट इज कलर जो है वो पूरे तरह से व्हाइट हो चुका है। सॉरी, हमने एक इमेज ऐड की थी पहले लेकिन वो पता नहीं कैसे चली गई, मैं बता सकता अगर एक काम कर रहे हैं, कल हम जब रिवीजन वीडियो अपलोड करेंगे ना तो उसमें ये इसका एक्सप्लेनेशन और अच्छे से दे दूंगा। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, ये थे आज के क्वेश्चंस। कल हम रिवीजन वीडियो के साथ लौटेंगे, उसे भी आप जरूर देखना। और रिवीजन वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का और अच्छे से एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ऑलराइट, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का इस क्वेश्चन के बारे में हम और एक्सप्लेनेशन कल के वीडियो में देखते हैं। सो थैंक यू सो मच, keep sharing and have a happy wonderful day ahead।